नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ पेट में होने वाली समस्याओं से संबंधित होम्योपैथिक औषधि बताने जा रहा हूं, जिसका सेवन करके आप फैटी लीवर या पेट की किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम देखते हैं कि आजकल हमारे पाचन संस्थान पे माहौल का बहुत ही असर पड़ रहा है। हमारा खान पान जो है वो बिगड़ चुका है, जिसके कारण हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले लीवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैदा से बनी चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो हमें अपने पेट एवं पूरे शरीर को नियंत्रित रखने के लिए अपने लीवर की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में जैसे मकई का सत्तू हुआ, चने का सत्तू हुआ, दलिया हुआ, इन सबों के सेवन से हमारे लीवर को बल मिलता है। तेल मसाले के चीजों को खाना कम करना चाहिए। रिफाइंड जो कि आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा है, ये भी हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका पेट ठीक नहीं रह रहा हो, आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, अन्यथा धीरे धीरे आपके लीवर को वो डैमेज करता जाएगा एवं आपकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। ये एक दिनों में नहीं होता है। शुरुआत में तो हम किसी भी प्रकार का भोजन का सेवन करते रहते हैं, हम बार बार अपने लीवर को चोट पहुंचाते हैं। ज्यादा तेल मसाले की चीजें खाकर, भुना तला हुआ चीज खाकर, ये हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपने पेट की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। पेट ही ऐसा है जो हमारे शरीर का, अगर आपका पेट सही ना रहे तो आपका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा। आपको कोई ना कोई समस्या घेरे ही रहेगा। इन परिस्थितियों के लिए होम्योपैथिक में औषधि है चेलिडोनियम क्यू। चेलिडोनियम क्यू का व्यवहार आपको 20 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर सुबह, दोपहर एवं रात्रि में करना है, लगातार 1 महीने तक। साथ में आपको तेल मसाले की चीजों का सेवन कम कर देना है। रात्रि में भूख से थोड़ा सा कम ही भोजन खाएं। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाएं, इससे आपके लीवर को बल मिलेगा। होम्योपैथिक में दूसरी औषधि है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ को आपको 220 शक्ति में व्यवहार में लाना है। इसे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में सेवन करें लगातार 1 महीने तक। इन 2 औषधियों का अगर आप नियम पूर्वक सेवन 1 महीने तक करते हैं तो आपकी फैटी लीवर की समस्या समाप्त हो जाएगी। परंतु औषधि सेवन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका खान पान सही हो, सादा भोजन हो, सब्जी भी अगर घर में बनता हो तो बहुत थोड़ा या नाम मात्रा का तेल ही देकर सब्जी बनवाएं और उसका सेवन करें। अगर उबला हुआ आप खाते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने लीवर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि होम्योपैथिक की किसी भी औषधि का सेवन करते समय योग चिकित्सक की निगरानी में ही औषधि का सेवन करें। अगर आपका पाचन संस्थान ठीक है तो आपके शरीर तो लीवर जो कार्य करता है आपके शरीर से सारे टॉक्सिक पदार्थ को निकालकर बाहर फेंकने में मदद करता है। अगर वो टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर से ना निकले और हमारे रक्त में मिश्रित होते जाए तो हमारा शरीर तो दिनों दिन खराब होते ही जाएगा। इसलिए हमें अपने पाचन संस्थान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।